नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितना भी आजकल हमें एंडोक्राइन डिसीज हो चुके हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जितनी भी हम हाइब्रिड चीज़ें खाते हैं और बेमौसमी चीज़ें खाते हैं, हमारे रोगों को उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण जो यही है। आजकल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आंवले होते हैं, जो कंचे की गोली होती थी, पहले आंवले उतने उतने होते थे या अब भी उतने उतने होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन आजकल आंवला जो है इतना इतना बड़ा हो चुका है मार्केट में और उसको लोग बड़े चाव से खाते हैं या उसका मुरब्बा खाते हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि मुरब्बा जो है या वो आंवला जो है वो आपके किसी काम का नहीं है। दोस्तों, बात करूंगा थायराइड के ऊपर। एलोपैथी दवाई क्या करती है थायराइड में? दोस्तों, थायराइड को के जो ग्रंथि है उससे जो निकलने वाला हार्मोन है, कम है ज्यादा है, अगर कम निकालती है, कम सिक्रीट करती है, तो उसको उसके ऊपर दबाव डालती है, वो ज़्यादा हार्मोन को सिक्रीट करती है। यानी कि कुल मिलाकर के यूं कहिए कि वो हार्मोन को बैलेंस में करती है। जो आप दवाई खा रहे हैं 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, ये डोजें आपकी प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि वो आपका थायराइड जो ग्लैंड है उसको रिपेयर नहीं करेगी। और अगर आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो ठीक है, स्वस्थ है, तो नेचुरल तौर पर वो अपना कार्य जो बिल्कुल ठीक करेगा। मेरा फोकस ये है कि जो थायराइड की ग्रंथि है, हमने उसको रिपेयर करना है। एलोपैथी दवाई जो है वो हार्मोन को बैलेंस करती है। अब जो दोस्तों मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, तो टॉन्सलों के लिए तो वो बहुत नंबर वन है। अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को बार बार टॉन्सल हो जाते हैं, जैसे टमाटर खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, तो दोस्तों वो तो दो चार दिन उसका काढ़ा पीने से ही वो फॉरएवर हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन थायराइड में दोस्तों उसका बेमिसाल असर है। दोस्तों, इसका जो आप सभी लोग जानते हैं, गिलोय घन जो है वो ओरिजिनल होता है, वो भी दिया जाता है। और दोस्तों, जो जंगलों में पाए जाने वाली हरड होती है, हरड की हरड जो है वो 7 प्रकार की होती है और उसमें विशेष प्रकार की हरड होती है, तो उसकी छाल जो है उसकी लाई जाती है और फिर दवाई तैयार की जाती है। लेकिन हरड में भी दोस्तों आजकल क्या हो चुका है कि हाइब्रिड आ चुकी है, इतनी इतनी बड़ी हरड होती है, लेकिन वो हमें स्वस्थ रखने की बजाय वो हमें बीमार करती हैं। जितना भी अन्न है, गेहूं है, आपकी मक्की है, वो आजकल तकरीबन हाइब्रिड चीज़ें आती हैं या आ रही हैं, तो जो हमारे बीमारियां हैं उसको बढ़ाती हैं। जो एंडोक्राइन डिसीज़ है दोस्तों, वो जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया या बवासीर हो गई, ये एंडोक्राइन मतलब उसमें डिसीज़ में आती हैं, तो इस करके एलोपैथी में इसका इलाज नहीं हो पाता। तो परहेज जो है दोस्तों वो भी जरूर रखना होता है। अगर कोई भी रोग के लिए हम साथ में परहेज करते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर वो रोग जो है मिट जाता है। बात सिर्फ यहाँ अटकती है कि कौन जो है एक ईमानदारी के ऊपर बात करता है और कितनी उसमें सच्चाई है। आजकल तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट लोग बताते हैं कि ना उस चीज़ का सिर है ना पैर है, और लोग सोचते हैं कि शायद इतने आसानी से वो रोग जो है वो ठीक हो जाए। तो फिर भी मैं ऐसे भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ कि जहाँ असली जो आयुर्वेद है उसको पकड़िए। ये धनिया या दूसरी चीज़ें जो हैं, धनिया का भी दवाई में प्रयोग होता है, लेकिन किस रोग में होता है और कैसे होता है वो सारी चीज़ें वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर, रोगों के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन ऐसे नहीं आपने कोई दालचीनी का टुकड़ा उठा लिया
या कोई दूसरी चीज़ उठा ली, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी है, नहीं। कोई भी चीज़ एक प्रॉपर जो चीज़ होती है दोस्तों उस रोग के लिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं जो आया हाथ में कहीं सुना वो बोल दिया इलाज हो गया। तो दोस्तों ज़्यादा ना कहता हुआ मैं एक एक्सरसाइज ज़रूर बताऊँगा थायराइड वालों के लिए कि जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं निरंतर करिए, जिसको भी हाइपरथायराइड है चाहे हाइपोथायराइड है, जैसे कि हम ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम की ध्वनि जो है यहाँ से आनी चाहिए। अब बताता हूँ कैसे करना है। ओम, आप देखेंगे कि हालांकि इसका एक और बीज मंत्र है न, अगर आप न या ओम का बीज मंत्र करते हैं तो बहुत अच्छा है, न का करेंगे तो और भी अच्छा है। गले से निकालेंगे आप देखेंगे यहाँ के जैसे यहाँ वाइब्रेशन होती है, स्वयं महसूस करेंगे। पर अगर निकालेंगे गले से, अगर जोर से बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसको आप निरंतर 10-10-15 मिनट करिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। आप 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद बोलेंगे नहीं हमें कुछ आराम मिला। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।